वैसे तो पाकिस्तान कुदरत की बेशुमार नेमतों से मालामाल है, लेकिन खेवड़ा में मौजूद नमक की कान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और तारीखी मनाजर पेश करने वाली नमक की कान है। बिलाशुबा हमारे पहाड़ मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन सोना उगलते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अनगिनत नेमतों से नवाजा है। कोहिस्तानी नमक की दौलत से माला माल खेवड़ा के पहाड़ सदियों से गुलाबी सोना उगल रहे हैं। खेवड़ा के इस कान को जमीनी अजायब घर भी कहते हैं। मजीद डिस्कशन से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक तोहफा है। खोर्दनी नमक की सबसे बड़ी कान पोलैंड के जनूबी शहर क्रैको के करीब वलेचका के मुकाम पर वाके है, और दूसरी बड़ी कान खेवड़ा सॉल्ट माइन है। ये कान जिला जहलम सूबा पंजाब की तहसील पिंड दादन खान में वाके है। ये जगह इस्लामाबाद से 140 किलोमीटर जबकि लाहौर से 250 किलोमीटर के फासले पर है। तारीखी पस मंजर के मुताबिक खेवड़ा में नमक की दरियाफ्त 320 कबल मसीह में उस वक्त हुई थी जब दरियाए जहलम के किनारे सिकंदर आजम और राजा पोरस के दरमियान जंग हुई थी। सिकंदर आजम के फौजियों के घोड़े इस इलाके में चरने के दौरान पत्थरों को चाटते पाए गए, जिससे यहाँ नमक की मौजूदगी का एहसास हुआ। उस वक्त से यहाँ नमक निकालने का काम जारी है। ये दुनिया में नमक का अहम तरीन जखीरा है। कोहिस्तानी नमक का सिलसिला दरियाए जहलम के करीब बेगनवाला से शुरू होकर दरियाए सिंध कालाबाग में खत्म होता है। इसकी लंबाई 300 किलोमीटर, चौड़ाई 4-30 किलोमीटर और ऊंचाई 2200 फीट ता 4990 फीट है। खेवड़ा नमक की कान का मौजूदा निजाम चौधरी निजाम अली खान नामी इंजीनियर का बनाया हुआ है। ये कान जेर जमीन 110 मुरब्बा किलोमीटर रकबा पर फैली हुई है। इसमें 19 मंजिलें बनाई गई हैं, जिनमें से 11 मंजिलें जेर जमीन हैं। नमक निकालते वक्त सिर्फ 50% नमक निकाला जाता है, जबकि बाकी 50% बतौर सतून और दीवार कान में बाकी रह जाता है। इस कान से सालाना 3,25,000 टन नमक हासिल किया जाता है। यहाँ पर सैरो सयाहत के लिए आने वालों के लिए अभी बहुत अच्छे इंतजाम हैं। जब कभी भी आप सॉल्ट रेंज की सैर के लिए जाएं, तो इसके अंदर बनी हुई सुरंग की सैर जरूर करें। जो आप आगे बढ़ते जाएं, न सिर्फ एतमाद में इजाफा होता है बल्कि कुदरती करिश्मे, सैकड़ों फीट गहरे पानी के तालाब, कोसो कजा के रंग बखेरती दीवारें, मीनारे पाकिस्तान, असेंबली हॉल, शीश महल और चागी हिल के मॉडल, क्रिस्टल पैलेस, नमक की मस्जिद, नमक के पुल, खालिस सोडियम क्लोराइड की कलमी हालत और तालाबों में छतों के अक्स का नज़ारा आपको दंग कर देता है। पुराने जमाने में नमक को बारूद से उड़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाली तोप भी कान के अंदर मौजूद है, और दमा के मरीजों के लिए एक हॉस्पिटल भी कायम किया गया है। हर साल 3 लाख तक ये सयाह पाकिस्तान और बैरूनी ममालिक से ये कान देखने आते हैं। बेशुमार मॉडल्स नमक से इस खूबसूरती से तैयार किए गए हैं कि सयाह खेवड़ा कान के अंदर दाखिल होते ही शशदर रह जाते हैं और खुद को एक नई दुनिया में महसूस करते हैं। रोशनियों से जगमगाते और नमक की ईंटों से बनाए गए ये खूबसूरत मॉडल्स सयाहों का दिल मोह लेते हैं। कान के अंदर बिजली की एक ट्रेन भी चलती है जो सयाहों को नीचे बने हुए चांदनी चौक में छोड़ती है। चलती ट्रेन के इर्द गिर्द कोसो कजा के रंग बखेरती बिजली की रोशनी से मजीन दीवारें सयाहों को मसहूर कर देती हैं। शायद यही वजह है कि दुनिया भर के सयाहों की जौक दर जौक आमद सारा साल जारी रहती है। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? अपनी कीमती राय का इजहार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज़।